उसके बाद ना वो क्या करते थे, वो मुझे ले जाके कमरे में टॉफी का लालच दे के, चॉकलेट का लालच दे के रूम में ले जाते थे, और मेरे साथ में पता नहीं क्या अजीब अजीब सी कुछ हरकतें, वो मुझे समझ नहीं आती थी उस टाइम पे। हाय, मेरा नाम है शिखा और मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को जो जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो आप सभी की जिंदगी से रिलेटेड है, और मोस्टली गर्ल्स गर्ल्स उसकी विक्टिम ज़्यादा बनती हैं, और इस एज में जब उन्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होती वो बहुत मासूम होते हैं, और वो ये अज्यूम भी नहीं कर सकते कि उनके साथ में हो क्या रहा है। सिर्फ वो छोटी मोटी चीज़ों के लालच में आ जाते हैं, जैसे चॉकलेट दे दी किसी ने, किसी ने टॉयज का लालच दे दिया, और वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वही सब करने लगते हैं जो उनसे करने के लिए कहा जाता है। जी हाँ, मैं हूँ शिखा और मैं इस चाइल्ड सेक्स अब्यूजिंग का खुद शिकार हो चुकी। बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं 6 या 7 साल की थी शायद, मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे। वो मुझे बहुत ही मतलब प्यार से ट्रीट करते थे, मेरे गाल खींचते थे और कभी किस करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लव शो करते थे। मुझे लगता था उसे इसमें शायद अच्छी हूँ इसलिए। और उसके बाद वो क्या करते थे, वो मुझे ले जाके कमरे में टॉफी का लालच दे के, चॉकलेट का लालच दे के रूम में ले जाते थे, और मेरे साथ में पता नहीं क्या अजीब अजीब सी कुछ हरकतें, वो मुझे समझ नहीं आती थी उस टाइम पे। मुझे बोलते थे कि कैसे अजीब, मतलब वो अपने वो प्राइवेट पार्ट्स पे टच करने को बोलते थे। मैं बहुत घबरा जाती थी, पर वो बोलते थे मैंने तुझे चॉकलेट दिया तुझे काम करना ही पड़ेगा मेरा, तो मैं किसी तरीके से ठीक है अवॉइड करती थी उस चीज को, घबराते हुए मैं कि ये मुझे कहीं मारे ना, डांटे ना, और कहीं मम्मी को कंप्लेंट ना कर दे, इस वजह से मैं फेस करती थी उस कंडीशन को। बहुत हो गया, 2-4 बार उन्होंने उसी चीज़ को रिपीट किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने उनकी बात सुनना छोड़ दिया कि मुझे पसंद नहीं था। एक अजीब सी गंदी सी फीलिंग आती थी कि क्या करने को बोल रहे हैं। मैंने उन अंकल से बात करना ही छोड़ दिया, वो मुझे बुलाते भी थे मैं इग्नोर कर देती थी। टाइम पे बच्ची थी, उस टाइम पे मैंने इतनी मैच्योरिटी दिखाई कि मैंने उन्हें उन्हें और उन जैसे लोगों को भी इग्नोर करना चालू कर दिया, क्योंकि यार हर कदम पे पेरेंट्स तो साथ नहीं रह सकते ना, हम बच्चे हैं, लेकिन इतना तो हमें ही पता है कि हाँ टाइम बहुत ख़राब है, हमें कुछ कुछ चीज़ों को के डिसीजन अपने आप से भी लेने पड़ते हैं भाई, तो उस टाइम पे भी इतनी मैच्योरिटी आ गई थी। लेकिन हम सब में वो भी मैच्योरिटी नहीं है, देखा जाता है जैसे 5-6 साल के बच्चों के साथ में आजकल रेप हो रहा है, यार यही यही चीज क्या होती है लोगों की, मतलब इतनी गंदगी दिमाग में। मेरे ख्याल से वो लोग नॉर्मल तो नहीं हो सकते जो ये सब हरकतें करते हैं, ज़रूर वो किसी साइको का शिकार है, क्योंकि नॉर्मल इंसान कभी ये हरकत कर ही नहीं सकता। उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए,
या फिर उन्हें पुलिस में अरेस्ट करा देना चाहिए। आई नो शिखर, ये काफ़ी ज़्यादा करेज का काम किया है और सबको बताने के लिए मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा हिम्मत तुमने जुटाई है, लेकिन जो तुम्हारी ये हिम्मत रही है वो तुम्हारी जैसी लाखों लड़कियों को हिम्मत देगी, लाखों बच्चों को हिम्मत देगी और वो सब भी तुम्हारी तरह आवाज़ उठाएंगे। और हम सब आशा करते हैं कि हम सब मिल के एज अ सोसाइटी चाइल्ड सेक्स अब्यूज के ऊपर बहुत जल्द ही कंट्रोल ला सकते हैं। सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, कानून आपके फेवर में है, बस जागने की ज़रूरत है। तो आपको जिस दिन आप जाग गए, आप शिखा की तरह आवाज़ उठाने लगे, तो कोई भी बच्चा चाइल्ड सेक्स अब्यूज का विक्टिम नहीं है।